एपिसोड 269 वशीकरण होकर रहेगा। आदिनाथ जी को अपने सामने देखकर ध्रुव हैरान था, क्योंकि कल मंदिर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था और उसने जिन्हें देखा था ये वही थे। फर्क सिर्फ उम्र का था। ध्रुव ने जिसे कल देखा था वो बहुत कम उम्र के थे, लेकिन आज जिन्हें वो देख रहा था वो उम्र दराज व्यक्ति थे, लेकिन चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज था। आदिनाथ जी हाथ में पूजा की थाली लिए वहां सबको आरती दे रहे थे। ध्रुव ने देखा कि जो भी उनसे छोटे हैं वो उनके पैर छू रहे थे। आदिनाथ जी जब ध्रुव और उसके दोस्तों के नजदीक आए तो उन्होंने आरती ली और उनके पैर छुए। आरती देने के बाद आदिनाथ जी बाहर आए तो उन्होंने ध्रुव और उसके दोस्तों को देखते हुए कहा, आचार्य जी बता रहे थे कि तुम लोग मुझसे मिलने आए हो और बहुत दूर से आए हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कारण है? क्या कर सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए? ध्रुव हाथों को जोड़ता हुआ बोला, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। आदिनाथ जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, आओ इस तरफ आओ। मंदिर के बगल में ही लकड़ी के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, वहां इशारा करके बोले, बैठ जाओ। ध्रुव और उसके दोस्त बैठ गए और उनके सामने ही आदिनाथ जी भी बैठ गए और बोले, अब बताओ क्या बात है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम लोग किसी मुसीबत में हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन सब का कहीं ना कहीं मुझसे कोई लेना देना भी है। ध्रुव ने कहा, आपका अंदाजा सही है, हम मुसीबत में हैं। हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं और इस वक्त हमारी उम्मीद सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। हम पाली से आए हैं। पाली के पुजारी जी ने हमें आपके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलें और बताएं कि उन्होंने हमें भेजा है, तो आप हमारी सहायता जरूर करेंगे। पाली का नाम सुनकर एक बार तो आदिनाथ जी के चेहरे पर शिकन आई और फिर उन्होंने कहा, पाली से आए हो, बताओ क्या बात है? देखो पाली एक ऐसी जगह है जहाँ से वास्ता रखना मुझे पसंद नहीं। सालों पहले पाली से मैं पलट कर आया था और दोबारा वहां नहीं गया। पाली ने मुझसे वो छीना है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है, लेकिन पुजारी जी ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा है तो जरूर ऐसी कोई बात होगी जिसका मुझ तक पहुंचना जरूरी है। ध्रुव ने कहा, मैं समझता हूं और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि पाली में आपसे आपका क्या छीना है। आप महागुरु देवदत्त की बात कर रहे हैं। आदिनाथ जी ध्रुव को देखते हुए बोले, तुम महागुरु को कैसे जानते हो और तुम्हें ये सब किसने बताया? ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, आज हम जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और जिसके लिए मदद मांगने आपके पास आए हैं, ये वही मुसीबत है जो सालों पहले थी और जिसने आपसे महागुरु को छीना था, जिसने एक ऐसे इंसान की जान ली थी जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए ही अपने आप को दाव पर लगा दिया था। आदिनाथ जी हैरानी से बोले, बंजारन फिर से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महागुरु ने तो उसे कैद कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी प्राण शक्ति लगा दी थी उसे कैद करने में, फिर वो आजाद कैसे हो सकती है? ये असंभव है, बिना कोई ऊर्जा मिले, बिना किसी साधन के वो आजाद नहीं हो सकती। जितनी ऊर्जा से उसे कैद किया गया था उतनी ही ऊर्जा मिली होगी उसे, तभी वो आजाद हुई है। ध्रुव अपनी नजरें झुकाता हुआ बोला, मैं आपको सारी बातें शुरू से बताता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पुजारी जी ने कहा था आप हमारी मदद तभी कर पाएंगे जब आप सारी चीजों से वाकिफ होंगे, और फिर ध्रुव सारी चीजें शुरू से उन्हें बताते चला गया। जैसे जैसे ध्रुव अपनी बात आगे बढ़ा रहा था, आदिनाथ जी के चेहरे पर एक के बाद एक अलग भाव आते जा रहे थे और आखिर में उनके चेहरे पर गुस्से की लकीर दिख रही थी। वो उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम लोगों की मूर्खता की वजह से एक ऐसी मुसीबत आजाद हुई है जो अपने आप में सब कुछ तबाह करने के लिए पर्याप्त है। उसको कैद करने के लिए महागुरु ने अपनी जान लगा दी और तुम लोगों ने एक मजाक में ये कर दिया, और अब तुम लोग मदद की उम्मीद चाहते हो? भूल जाओ, मैं तुम लोगों की सहायता नहीं करूंगा। उनके गुस्से को देखकर कुछ देर के लिए ध्रुव भी सहम गया था, लेकिन तारा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन अभी अभी तो आपने कहा ना कि उसको जिस ऊर्जा से कैद किया गया था उसको आजाद करने के लिए वही ऊर्जा चाहिए, वही ताकत चाहिए। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, हम जैसे मामूली लोग अगर मजाक में कुछ करते भी हैं तो उससे इतनी ताकतवर शक्ति कैसे आजाद हो सकती है? हम में से किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम उसे आजाद कर सके, तो ये कैसे संभव है? आप खुद सोचिए, इसका साफ मतलब है कि ध्रुव और इन लोगों ने जो भी किया वो सिर्फ एक बहाना था, वो आजाद किसी और माध्यम से हुई होगी, कोई और ऊर्जा थी इन सबके पीछे। तारा की बात सुनकर आदिनाथ जी कुछ सोचते हुए बोले, बात तो तुम्हारी सही है, तुम जैसे मामूली बच्चे जो कोई खेल खेलने गए थे उस खेल से तो आजाद नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं पाली से आया था महागुरु की मृत्यु के बाद, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं पाली की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। मेरे लिए वो धरती अपवित्र हो चुकी थी, जहाँ मेरे गुरु भाई की जान गई थी। मेरा भाई, मेरा गुरु, मेरा मित्र, सब कुछ चला गया उस पाली की धरती में। ध्रुव देख सकता था कि आदिनाथ जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे।
ध्रुव ने तारा की तरफ देखा और फिर हाथ जोड़कर आदिनाथ जी के सामने जाकर बोला, आपकी तकलीफ हम समझते हैं, लेकिन महागुरु ने जिन लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, एक बार फिर उन लोगों की जान को खतरा है। हमारी उम्मीद सिर्फ आप है और कोई नहीं है जो महागुरु की विद्याओं को जानता हो, जो वशीकरण जैसी क्रिया के लिए हमारी मदद कर सके। एक तरफ जहाँ पाली से दूर ध्रुव और उसके दोस्त आदिनाथ जी को मनाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ छलावा इन लोगों के लिए बहुत परेशान हो रहा था। छलावा ने सबको फोन करके देख लिया, लेकिन किसी का कॉल नहीं मिल रहा था। जुल्मी की अम्मा भी कई बार आकर पूछ चुकी थी, लेकिन छलावा को खुद नहीं पता था तो वो उन्हें क्या जवाब देता। छलावा के मन में एक बार आया कि वो खुद जाकर देखे, लेकिन चेरी ने उसे साफ साफ तौर पर मना कर दिया। जब रात तक ये लोग नहीं पहुंचे और रात से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर होने को आई, तो आखिर में छलावा ने ये फैसला किया कि वो उन सबके दिमाग तक पहुंचेगा। छलावा बारी बारी करके सबके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कैसे भी करके वो उन लोगों को ढूंढना चाहता था, ताकि ये मालूम कर सके कि आखिर ये लोग हैं तो कहाँ हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो उन चारों में से किसी के दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा था। छलावा का मन आशंका से भर रहा था। उसके मन में बस इतना ही था कि कहीं उनमें से किसी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो लोग तो बोलकर गए थे कि वो रात तक लौट आएंगे। अब अगला दिन खत्म होने को आया था, वो क्या करे उसे पता नहीं चल रहा था। आखिर में छलावा ने फैसला किया कि वो पुजारी जी से जाकर मिलेगा और पुजारी जी से पूछेगा कि आखिर उन्होंने उन लोगों को ऐसे कहां भेज दिया है कि वो लोग अब तक लौट कर नहीं आए हैं। जब छलावा मंदिर गया तो वहां पता चला कि पुजारी जी तो अभी आए नहीं अनुष्ठान से, देर रात तक आएंगे। छलावा को वहां भी कुछ पता नहीं चला और वो थके कदमों से वापस घर की तरफ लौट आया। शाम होने वाली थी और तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। छलावा को लगा कि कहीं उसके दोस्त तो नहीं आ गए। छलावा ने तुरंत दरवाजा खोला तो देखा सामने सजनी खड़ी थी। सजनी ने छलावा को परेशान देखा तो वो बोली, क्या हुआ छलावा भैया, अब तक भी वो लोग नहीं लौटे क्या? वो तो कल ही आने वाले थे ना। छलावा बोला, पता नहीं सजनी, कुछ समझ नहीं आ रहा, घबराहट सी हो रही है। तभी उन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। छलावा तुरंत घर से बाहर भागा तो देखा वहां ध्रुव और बाकी सब आ गए थे। उन सबको देखकर छलावा की जान में जान आई और साथ ही सजनी भी खुशी से बोली, शुक्र है आ गए सब। ध्रुव और बाकी सब जैसे ही उतरे, छलावा ने ध्रुव से कहा, कहाँ रह गए थे तुम लोग? तुम लोगों को तो कल ही लौटना था ना, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुम लोगों को पता भी है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। मैं तो मंदिर भी गया था पुजारी जी से पूछने कि आखिर उन्होंने तुम्हें कहाँ भेजा है, और मैं खुद आने वाला था तुम लोगों को ढूंढने के लिए। ध्रुव ने बड़ी शांति से छलावा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा छलावा, सांस तो ले ले, सब ठीक है, हम सब ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त लग गया। सजनी उन चारों को देखती हुई बोली, तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हो, हम तुम लोगों के लिए चाय बनाते हैं, और तुम लोग जानते भी हो जब से तुम लोग गए हो छलावा भैया ने कुछ भी नहीं खाया है। कल भी हम आए थे, उन्होंने कुछ खाने को नहीं बनवाया, हमें लगा कि उन्होंने खुद कुछ बनाया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बनाया, बेचारे तुम लोगों के लिए इतने परेशान थे। सजनी की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, छलावा ये तो गलत बात है ना, हम सब साथ में थे, तुझे यकीन होना चाहिए था कि हम एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। एनीवे तू बता, यहाँ पर सब ठीक था? छलावा बोला, हाँ यहाँ सब ठीक था। इन दोनों की बात विक्की को एक आंख नहीं सुहा रही थी। विक्की बस छलावा को घूर कर देख रहा था और अपने बगल में खड़े जुल्मी से बोला, देखो कितना ड्रामा कर रहा है, इसका पूरा खानदान तो यही था, ये क्यों भूखा प्यासा हम लोगों के लिए बैठा रहेगा। जुल्मी भी विक्की की तरह ही धीरे से बोला, ध्रुव को बुद्धू बना रहा है और कुछ नहीं, ध्रुव तो है ही ऐसा कि किसी के साथ भी बह जाता है, उसको तो कोई भी बहला सकता है। ध्रुव के कानों तक इन दोनों की बात जा चुकी थी। उसने इन दोनों को घूर कर देखा और बोला, वक्त, नजाकत और हालात तीनों के हिसाब से बात करनी चाहिए। विक्की उसकी बात को इग्नोर करता हुआ बोला, अंदर चले, सजनी चाय बनाओ बढ़िया सी। और फिर ध्रुव और छलावा के अलावा बाकी सब अंदर चले गए। बाहर खड़े ध्रुव ने छलावा से कहा, छलावा इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि। छलावा बोला, मैं सब जानता हूँ ध्रुव, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे और चेरी के बारे में सब पता है। तुम लोगों का मन जो मेरी तरफ से बदला है वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मैं तुम लोगों को गलत भी नहीं कहूंगा, तुम लोग अपनी जगह सही हो, तुम सबके दिमाग में जो मेरे लिए चल रहा है वो भी सही है। ध्रुव हैरानी से उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इतने वक्त से उन लोगों ने छलावा से खुलकर बात नहीं की थी, तो आखिर छलावा तक ये बात किसने पहुंचाई? और फिर उसने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है छलावा? छलावा बोला, मैं भी अब कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैंने और चेरी ने फैसला किया है कि जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है तो सामने ही रहने दो। तुम लोग वशीकरण करना चाहते हो, तुम लोग युक्ति लगा रहे हो, जुगाड़ लगा रहे हो,
लेकिन एक बात याद रखना, चीजें बदल गई हैं। तुम लोग मेरे दोस्त थे, हो और हमेशा रहोगे। मैंने तुम लोगों का बुरा कभी नहीं चाहा, ना कभी चाहूंगा। लेकिन जहां तक बात है वशीकरण करने की और बंजारन को कैद करने की, तो माफ करना, मुझे इसमें बहुत खतरा लग रहा है। मैं जानता हूं कि शायद तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन वशीकरण तुम लोगों के लिए जान का खतरा लेकर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस खतरे का सामना मैं भी ना कर पाऊं और तुम लोगों को ना बचा पाऊं। इसलिए मैं तुम लोगों को ये नहीं करने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से अनन्या गायब हुई है उस पर मुसीबत आई है, तुम सब पर भी कोई मुसीबत आए। ध्रुव ने कहा, मुझे नहीं पता तू क्यों नहीं चाहता कि वशीकरण हो, लेकिन छलावा अब मेरी भी सुन ले। वशीकरण होकर रहेगा, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। और हाँ, इस बार हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ बेशक देवदत्त नहीं है, लेकिन उनके समान ही कोई है, और वो है देवदत्त के गुरु भाई आदिनाथ। और एक बात, चाहे तूने हम लोगों को कुछ नहीं बताया हो खुद से इन चीजों के बारे में, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मुसीबत और खतरा हमें नहीं तुझे ज्यादा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू सब जानता है, उसके बाद भी तू उसमें फंसता जा रहा है। वो तुझे अपने वश में कर रहे हैं छलावा, और एक वशीकरण ही तरीका है अनन्या को भी वापस लाने का और तुझे भी इस दलदल से निकालने का। इस वक्त तुझे हम बेशक गलत लग सकते हैं, लेकिन तेरी जिंदगी से बढ़कर ये गलत फहमी नहीं है। मैं तुझे इन सबसे निकाल कर रहूंगा। वशीकरण होकर रहेगा,